नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषित कविता। तो दोस्तों, एक कंपनी है जिसका नाम है इनवॉक्स, या जिसने डॉग्स के लिए स्मार्ट बेल्ट लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी, कैसा है ये बेल्ट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसने डॉग के लिए स्मार्ट बेल्ट लॉन्च किया है। दोस्तों, ये इस बेल्ट के अंदर बहुत ही सारा फीचर्स है जो कि डॉग्स की हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, डॉग की रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉनिटर करेगा, डॉग का GPS सिग्नल हमेशा देता रहेगा, और इसकी बैटरी लाइफ भी सेवरल वीक्स तक चलती है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना है, इसे बैटरी लाइफ बार बार चार्ज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बेल्ट एक चार्ज में कुछ हफ्तों तक चल सकता है, 2 से 3 हफ्तों तक ये बेल्ट चल सकता है एक चार्ज में। तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 हफ्ते में एक बार उसको चार्ज कर दीजिए और वो बिल्ड चलता रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उसको GPS सिग्नल भेजने के लिए इंटरनेट चाहिए होगा ना, और सब जगह तो इंटरनेट अवेलेबल होगा नहीं, तो GPS सिग्नल कैसे भेजेगा। तो गाइज, वो बिल्ड उसके अंदर ही सिम इंसर्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको उसके अंदर ही सिम को इंसर्ट कर देना है, और फिर वो आपका डॉग जहाँ पे भी जाएगा वो GPS सिग्नल भेजता रहेगा। और दोस्तों, इस बिल्ड का मेन मोटो ये है कि बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो बहुत सारी बीमारी से डायग्नोज होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को और उस पेट के ओनर्स को उस चीज़ के बारे में बहुत लेट पता चलता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी है उस डॉग के लिए कि उसको वापस रिवाइव किया जाए। दोस्तों, इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए बेल्ट बनाया गया। ये बेल्ट सभी बीमारी जो डॉग को होगी वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, जैसे वो बीमारी डॉग को स्टार्ट होगी पहले ही स्टेज में वो बीमारी आपको नोटिफाई कर देगी कि आपके डॉग को कोई प्रॉब्लम, स्पेशली हार्ट कंडीशंस। दोस्तों, वेबसाइट का कहना है कि 10-20% डॉग्स ऐसे होते हैं जिनको हार्ट कंडीशन होते हैं और जो कभी डायग्नोज भी नहीं हो जाता। दोस्तों, ये बेल्ट ऐसे डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और ऐसे डॉग्स की बहुत ही ज़्यादा जान बचा पाएगा कि अगर पहले से उनकी हार्ट कंडीशन पता चल गई। दोस्तों, इसके अलावा ये बेल्ट ये आपका डॉग कितना सो रहा है, कितना खाया, उसने क्या एक्टिविटी की पूरे दिन में, उसकी स्लीप कितनी अच्छी थी, कितनी हार्ड स्लीप थी, वो सोया भी कि नहीं सोया, दोस्तों ये सब भी चीज़ आपको आपका बेल्ट बता देगा। दोस्तों, ऑल इन ऑल ये जो बेल्ट है वो हमारी ह्यूमंस की जो यू स्मार्ट वॉच होती है वैसा ही है, लेकिन ये डॉग के लिए पे बना है, इसलिए इसको डॉग बेल्ट बोलते हैं। दोस्तों, कंपनी इसको बोलती है स्मार्ट कॉलर फॉर डॉग्स। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि हम जो वॉचेस पहनते हैं वो एकदम स्किन टाइट पहनते हैं ताकि हमारा रीडिंग एकदम ही एक्यूरेट आ सके, फिर वो हमारा हार्ट रेट हो या फिर ऑक्सीजन लेवल हो। लेकिन दोस्तों, जो डॉग्स होते हैं उनके तो बहुत सारे बाल होते हैं, तो उनको जब वो बेल्ट हम पहनाएंगे तब क्या गारंटी कि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स ही हमें दिखा पाएगा। तो दोस्तों, इस बिल्ड को स्पेशली ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर से जो भी रेज निकलेगी वो उस डॉग के बालों से रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि उसके स्किन से रिफ्लेक्ट होगी। तो आप उसको भले ही ये बिल्ड लूज पहनाओगे फिर भी आपको एकदम ही एक्यूरेट रेटिंग देगा, और एकदम एक्यूरेट आपको पता चलेगा कि डॉग के एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है। दोस्तों, अगर प्राइसिंग की बात करें इस बिल्ड की, तो ये कुछ 100 pounds के आसपास है। अगर हम इसको इंडियन रुपीज़ में देखें तो 10,000 rupees के आसपास ये बेल्ट आ सकते हैं, और GST वो सब लग के 12,000 तक आपको ये बेल्ट पड़ सकता है। तो कैसे आप मुझे बताइए कि आप ये बेल्ट लेना प्रेफर करोगे या नहीं। अगर आपके पास पेट है और आपको आपका पेट जान से भी ज़्यादा प्यारा है तो आप ये बेल्ट लोगे या नहीं। दोस्तों, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको ये बेल्ट डेफिनेटली लेना चाहिए अगर आपके पास पेट है। तो दोस्तों, आपके क्या ओपिनियन से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, बस वीडियो के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।